डेट है 14 सितंबर 2020 एंड कल मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से मुंबई की। तो इस वीडियो में अपने होटल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और कि अगर आप जैसे एयरपोर्ट से एग्जिट लोगे उसके बाद आपके हाथ पे ये स्टैंप लगा देंगे। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया, वैसे तो ये ऑलमोस्ट छुट्टी गई है, हल्की हल्की सी बची हुई है, इसमें इन्होंने स्टैंप लगा रखी है कि होम क्वारंटाइन अप टू 27, यानी कि मैं 13 को आया था और 27 तक होम क्वारंटाइन। तो इसमें यह है कि हम लोग फिर से फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं 27 तक। ट्रैवल करना ठीक भी नहीं है क्योंकि अगर आपने बुकिंग कर दी उसके बाद आपकी कैंसिल कर दी तो आपके पैसे चले जाएंगे। तो ये थे और बाकी ये वीडियो होने वाली भाई होटल के बारे में। यार होटल्स जो हैं मुंबई में भाई वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं क्योंकि जो मेन लोकेशन है चर्च गेट के आसपास, यहाँ पे होटल्स एक तो बहुत कम होटल्स हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं। एयरपोर्ट के पास काफ़ी ठीक ऑप्शन थे और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़े कम ऑप्शन है। तो यहाँ पर होटल थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो अभी मैंने ये जो रूम है अभी इसका रूम टूर देता हूँ आपको, ये मैंने बुक किया था तो ये मुझे पड़ा 3000 में एंड दो बार रूम चेंज करना पड़ा, पता नहीं क्या साफ सफाई की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए फाइनली मैंने दूसरा होटल बुक कर लिया है। एंड ये कुछ होटल के प्राइस लिस्ट है, इसमें मुझे पड़ा ये 3000 में डिलक्स वाला डबल में, तो मतलब 1000 रुपये इसे डिस्काउंट हो गया, 4000 प्राइस दिखा रखे हैं, मुझे 3000 पड़े क्योंकि मैंने ऑनलाइन किया था। यस, होटल का नाम मैं दिखाने का हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाकी होटल ही मैंने देखे हैं, सभी सेम कंडीशन ऐसे ही है। तो अभी मैंने जो होटल बुक किया है वो वो का, क्योंकि वो के मोस्टली थोड़े बहुत सही होते हैं तो इसलिए वही कर लिया। बाकी होटल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, 9000 तक 10000 के, तो उतना ज़्यादा पे करना सही नहीं था। टाइम हो रहा है 10:43 और 11 बजे होटल चेकआउट, होटल से चेकआउट करना है, बस 15 मिनट अपने पास, 5 मिनट फटाफट वीडियो ख़त्म करते हैं वाली एंड उसके बाद यहाँ से दूसरे होटल में शिफ्ट करते हैं। तो यह सभी मैं आपको फटाफट से होटल का टूर दे देता हूँ। भाई होटल कभी भी आओ तो ज़रा ठीक से तो होटल का मैं टूर दे देता हूँ। सामान वामान थोड़ा सा बिखरा हुआ है इसके अंदर, तो अभी अगर मैं दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे नॉर्मली इन्होंने साइड टेबल दी हुई है और इस तरीके से रूम है और एसी है, सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। वैसे तो मतलब फैसिलिटी जिस तरीके से मेंशन की हुई थी सब कुछ है, सब फोटो वोटो में देखने में तो अच्छा ही लगता है। ये यहाँ पे इन्होंने फ्रिज भी दिया हुआ है, टेलीविज़न ऐसे ही शिफ्ट किया हुआ है, यहाँ पे अपना थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, कैमरा वगैरह एंड टीवी केटल वगैरह है, ये सब है। ये पानी की बोतल मैं अपनी लेके आया था, बस बाकी ये अपने बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं और 10 मिनट मेरे पास उसके बाद होटल ही चेकआउट करना है। एंड यस, ये थी वीडियो यार ये होटल के बारे में, तो मैं बस ये कहूँगा कि ये होटल वगैरह अपने बुक कर रहे हो भाई पहले से देख के करना। और दूसरी चीज़ ये है कि होटल वैसे नॉर्मली ये इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। अभी ऑनलाइन डिस्काउंट चल रहा था इसलिए मुझे उसमें 1000 रुपीज़ ऑफ मिल गए। वैसे मैंने पहले ऑफलाइन आके इनसे पूछा था कि क्या प्राइस होंगे, तो इन्होंने मुझे डायरेक्टली वही प्राइस बताए थे फॉर डबल डिलक्स रूम के लिए 4000 एंड स्टैंडर्ड रूम के लिए 3500। तो मैंने स्टैंडर्ड रूम बुक किया था तो 3500 की इनकी कॉस्ट थी, मुझे पड़ी वो 3000 एंड फिर उसके बाद इन्होंने मुझे डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दिया जो इनकी कॉस्ट है 4000, तो मुझे वो पड़ी 3000 में। पर उसके बाद मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी, मतलब एक दिन के लिए इतना पे करना है क्योंकि अभी काफ़ी दिन रुकना है, यहाँ पे स्टे करना है, तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता 3000 के हिसाब से। फिर होटल भी ऐसा नहीं है भाई, फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने दूसरा होटल बुक किया है एंड होपफुली उससे बेटर होगा। और दैट्स इट फॉर होटल यार, मतलब इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी मुझे लगता कि यार ये बिल्कुल भी वॉर्थ है। 3000 का तो मुझे वैसे पड़ा है, बाकी 4000 का ही मानो इसे, 4000 के हिसाब से बिल्कुल भी वॉर्थ नहीं है। बाकी लोकेशन के हिसाब से, मुंबई के हिसाब से यस होटल्स आर एक्सपेंसिव है। सामान वामान वहाँ लेकर निकलते हैं जल्दी से क्योंकि अब टाइम हो गया है 11। मैं थोड़ा सा बिल्कुल एंड टाइम पर इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि वहाँ का चेक इन टाइम है 12। लोकेशन दिखा देता हूँ कि लोकेशन कैसी है इसकी आउटसाइड की। That's it। मुंबई में रोड्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं और जितनी चौड़ी है रोड है यही यहाँ की, इतनी चौड़ी चौड़ी मेन रोड्स हैं सिर्फ चर्च गेट की साइड, बाकी मुझे पता नहीं।
अब ये वाला पार्ट 16 को शूट हो रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ओयो में पहुंचा जहां मैंने अपना होटल बुक किया था। और अब जैसे कि ये वीडियो मतलब पूरा होटल से रिलेटेड और उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो ही गया है, तो मैं अपना ओयो का एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूं। भाई ओयो में मतलब यहां पे इन्होंने क्या किया हुआ है अभी पर्टिकुलरली, कि जैसे इनके 15 रूम्स हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं 15 रूम पे मतलब 15 प्लस बुकिंग ले रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार कुछ लोग जैसे ओयो के अंदर विदाउट पेमेंट भी मतलब जो होटल्स होते हैं वो बुक हो जाते हैं एंड पेमेंट करके तो हो ही जाते हैं। तो अब वो उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि अगर उनके पास 15 रूम्स हैं तो वो उसके 15 प्लस बुकिंग ले रहे हैं, जिससे कि मतलब उनका रूम खाली ना जाए, बेशक चाहे कस्टमर को परेशान होना पड़े। तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ था वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे रूम पूरे फुल हो गए थे और मैंने पहले बुक किया हुआ था एंड पेमेंट भी की हुई थी। उसके बाद वहाँ पे रूम ही अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने कुछ नहीं लास्ट में बेफालतू उन्होंने कम से कम 1-2 घंटा परेशान किया कि यहाँ बात कर रहे हैं वहाँ बात कर रहे हैं, इस तरीके से परेशान किया एंड देन उसके बाद उन्होंने जो पेमेंट है वो रिफंड कर दी। तो ये ओयो का सीन चल रहा है। मैंने सोचा कि भाई अब ये भी डाल ही देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये वाला पार्ट रह गया था उसके अंदर बताना वीडियो के अंदर, जब सब कुछ ये पूरी वीडियो ओयो से मतलब होटल से रिलेटेड हो गई है। ओयो का तो भाई कुछ ना कुछ हर जगह जाके मतलब ओयो का पता ही चलता है, कुछ ना कुछ अलग अलग ड्रामा चल रहा होता है ओयो का। एंड उसके इसके कुछ चार्ज हैं 2000 और ये उससे बहुत बेटर है, जो उससे पहले मैंने जो रूम दिखाया था 3000 रुपीज़ में, एंड ये बिल्कुल सेंटर में है, बट वो भी मतलब वो थोड़ा सा अलग था। एंड मैं दिखाता हूँ अभी, और मेन प्रॉब्लम जो हो रही है यहाँ पे होटल वगैरह की, ऐसी बात नहीं है कि मतलब पहले मुझे लगा था मतलब उस दिन जब मैं चेक कर रहा था तो लग रहा था कि होटल्स यहाँ पे कम है, पर आज जब मैं चेक कर रहा था तो होटल्स यहाँ पे काफ़ी हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब कोविड वाली सिचुएशन की वजह से बहुत सारे होटल ओपन नहीं हुए हैं। उसके बाद बस यहाँ पे यही मुझे मतलब ठीक मिला वो वाला होटल, जैसे कि आपने देखा 3000 रुपीज़ में। एंड उसके बाद जो कोविड की वजह से क्या हो रहा है, मोस्टली होटल अभी स्टार्ट नहीं हुए यहाँ पे। और इसलिए जो ये होटल है मैं ऑनलाइन बुक कर रहा था, तो इसके ऑनलाइन कॉस्ट दिखा रही थी 3000 पर, लेकिन जो मतलब ओयो में जहाँ मेरा बुक था फ्लोरा सूट्स में, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेज दिया, बिल्कुल उसके पास में ही है। एंड ये यहाँ पे हॉर्नी मैन सर्कल है उसके पास में है। एंड मैं दिखाता हूँ कि ये जो मुंबई का ये वाला एरिया है, यहाँ पे मैं हूँ, ये इधर हॉर्नी मैन सर्कल के पास, तो मैं इस टाइम बिल्कुल सेंटर में हूँ। तो इधर इसमें अगर दिख रहा होगा, यस, तो इसके यहाँ पे भी मतलब इधर C 1.5 किलोमीटर है, इधर भी C 1.5 किलोमीटर है। और अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये एरिया बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड ही पड़ता है यहाँ पे उसके बाद, तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत कंजेस्टेड हैं। एंड होटल्स वगैरह भी इतने ऑप्शन नहीं है, और जितने थे ऑप्शन उसमें से ही होटल्स चल नहीं रहे हैं कोविड की वजह से। तो अब ये मतलब होटल सही मिल गया है, और अब यहीं पे थर्ड डे स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 14 को यहाँ पे आ गए थे, तो 14, 15, 16 है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होटल इज कि इसके दोनों साइड विंडोज़ हैं, बैक साइड में भी और इस साइड में भी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में भी जो टाइम लैप्स मैंने डाले हुए हैं वो इन दोनों विंडो से ही लिए हैं। ये कुछ तो मतलब दोनों साइड विंडोज हैं, और यहाँ से हॉर्नी मैन सर्कल है 300 मीटर होगा, एंड पास में ही कम से कम 500 मीटर है यहाँ पे बोरा बाजार। तो इस वीडियो को बस यहीं पे रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जो इस वीडियो का रूम टूर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि अभी सब कुछ सामान वामान ऐसे ही रखा पड़ा है, तो सब कुछ थोड़ा सेटल वेटल करके फिर उस हिसाब से। और लाइट भी मैंने कम ही चलाई हुई थी, क्योंकि विंडो सामने से लाइट आ रही थी। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फैन चल गया, ठीक है, बाय बाय।